जय उत्तरण वैश्व मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप खबर, पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैश्व मोटेन। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और स्वच्छता की बात होती है, परंतु तहसील पौड़ी इसकी पोल खोल रही है। देखिए, पौड़ी तहसील के मुख्य प्रांगण में जब आप निकलते हैं तो पौधे, गमले और बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन तहसील के प्रांगण के दाएं और जहां अर्जुन मेस अधिवक्ता और जितने भी स्टैंप विक्रेता या जो आप काम कराते हैं बैठते हैं, वहां पर आप अगर देखें जहां पर ये लोग अपनी हैसियत बनाने नेता, ठेकेदार, महिलाएं बैठती हैं, वहां पर टीन का सीट लगाया हुआ है। बरसात में यहां पे पानी टपकता है और नीचे की फर्श अगर आप देखें तो बिल्कुल मिट्टी की है। यहां पे पक्का फर्श भी नहीं डल पाया आज तक और ना ऊपर पक्की छत हो पाई है। कूड़ा करकट के कारण यहां पर मच्छर होते हैं, यहाँ तक कि फर्श पर झाड़ू भी खुद ये लोग खुद लगाते हैं। इनकी शिकायत SDM नगर पार्षद सबको कर दिया है, लेकिन पक्का फर्श बनाने के लिए किसी के पास बजट नहीं है। यह मंडल मुख्यालय तहसील में अधिवक्ताओं और अर्जुन मेसो के लिए एक कैबिन पक्का फर्श नहीं है। हमने यहाँ से बात की इन लोगों से, देखिए क्या कहते हैं लोग। ये जगमुंडागी की रिपोर्ट। आपका पूरा नाम? स्वच्छ भारत के अभियान हम बात करते हैं और ये तहसील मुख्यालय है और सारे यहाँ पे जो है तहसील में स्वच्छता बनाए रखे, फूल है, पौधे हैं, लेकिन जहाँ आप लोग बैठे हैं इतने अर्जुन में इस लोग यहाँ, मैं जब भी देखता हूँ, काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, इतनी गंदगी, इतने कूड़ा है, तो क्या कारण है? आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी इस फर्ज को ठीक करने के लिए? देखो, जहाँ तक स्वच्छ भारत की बात है तो यहाँ पे जो है बहुत गंदगी है और यहाँ पे जो है इतनी मतलब क्षेत्रीय जनता जो है यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए आती है और इसी जनता को जो है इसी गंदगी में बैठना पड़ता है और इसी गंदगी में बैठ के जो है वो अपना काम करवाते हैं। और यहाँ पे जो अराज नवेश और जो कोर्ट अधिवक्ता यहाँ पे जो कोर्ट परिसर में आते हैं उनको भी यहीं पे बैठना पड़ता है, यहीं पे बैठ कर अपना काम करते हैं। और इस संबंध में हमने जो है बहुत सारे कई बार जो है प्रयास किया, कई जो है जनप्रतिनिधियों के आगे अपनी बात रखी कि विधायक जी को कहा गया कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको पक्का करवा दें और लोगों के बैठने के लायक बनाया जाए, बट इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे जो DM साहब को भी दिया, SDM साहब को भी कहा, तो सबके द्वारा जो है हमें आश्वासन मिलता रहा और बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ की स्थिति आप लोग देख रहे हो। इसको पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस की स्थिति ये है, दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं इधर बैठने की और इसी कूड़े में बैठ के वो अपना काम करते हैं, हम लोग भी यहीं बैठे रहते हैं। लेकिन हमने अब जो है कुछ दिन से स्वच्छ भारत के अभियान के तहत हम लोगों ने अपने प्रयास से यहाँ पे जो है जो तहसील परिसर में जो है स्वीपर है यहाँ पे, हम अपने पैसे दे के जो है उससे इधर सफाई करवाते हैं, परमंत उसको जो है पैसे पे करते हैं। यहाँ पे जो है जनता आते हैं तो जनता को जो है यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। कोरोना काल में, खासकर कोरोना काल में जो है लोगों इधर उधर से तरह तरह के लोग आते हैं तो उनको जो है कोई बीमारी ना हो, इस वजह से जो है हम अपने प्रयास से उसको जो है सफाई करने के लिए कहते हैं। और हमने नगर पालिका में कहा था, वार्ड मेंबर को भी कहा, वार्ड मेंबर से भी हमने बहुत हो गई कि यहाँ पे जो है आप कुछ करवा दीजिए, इसको ठीक करवा दीजिए। जो यहाँ दो नंबर वार्ड की जो वार्ड मेंबर है उनसे भी काम नहीं, तो एक दिन वो सैनिटाइजर लेके आई थी, हमने कहा सैनिटाइजर तो जो होगा बट यहाँ जरा थोड़ा इसको ठीक करवा दीजिए। अपने लेटर पैड में हमने कहा इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो उनके द्वारा भी हमें आश्वासन नहीं मिला बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आपको सुनना, आपको मैं पिछले यहाँ पे लगभग 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ आप, मैं पिटीशन राइटर हूं और इतने सीनियर आपके राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं और एक यहाँ पे छोटा सा जहाँ पे आप बैठे हैं, जब आपके पास विभिन्न पद हैं, मैंने देखा है आप सम्मानित पदों पे हैं, जब आप बैठते हैं तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था होती है जिस हिसाब से आपका मान सम्मान पद है, लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ इस तरह आप बैठे हुए बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि आपके नीचे जो है पूरे यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, तो आपने कभी प्रयास नहीं किया या अपने सम्मान मान सम्मान बचाने के लिए इस प्रकार आपका मतलब ये कहेंगे कि ये जहाँ आप बैठे हैं ये कहीं ना कहीं आपके जो स्वाभिमान है उस जो आपका सम्मान है उसमें ये ठेस पहुँचती है? नहीं जी, हमने कई बार जो है
नगर पालिका वार्ड मेंबर के द्वारा भी प्रस्ताव लिखा और SDM साहब को भी एक बार हमने लेटर लिखा। एक बार मैं स्वयं DM साहब दिया गया और DM साहब को मैंने समझ में लेटर लिख दिया। हम कई बार अपने प्रयास से पूछते लोगों को लिख भाई जो यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि लोग आते हैं आजकल कई लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं मजबूत में अपने हिसाब से जो है कि DM साहब को अवगत कराओ और यहाँ पे पब्लिक प्लेस है सर और हम चाहते हैं कि गंदगी न रहे और सभी लोग स्वच्छ भारत के तहत जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। तो हम करते रहते बराबर अपने हिसाब से प्रयास मगर अभी तक जो है किसी के द्वारा भी जो है इस पर सुनवाई नहीं की गई और मैं चाहता हूँ कि यदि आपके माध्यम से DM साहब को इस संबंध में अवगत कराया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है और पब्लिक थोड़ा सा सफाई में रह सके और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा जरा सफाई से रह सके। जयत्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। से की समालिया वा ए जावा